हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन वी आर डूइंग सबट्रैक्शन एट दिस टाइम. ठीक है, सो ये सबट्रैक्शन हमने किया है ना. व्हाट वाज द लास्ट सबट्रैक्शन? ड्रॉ शेप स्लैंटिंग लाइंस और डॉट टू फाइंड द डिफरेंस. दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम और आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना था, बट यूजिंग शेप स्लैंटिंग लाइंस और डॉट्स यूज करने थे, फिर आपको आंसर बताना था, है ना. तो आज जो वर्क है ना, सबट्रैक्शन ही है. ठीक है, सबट्रैक्टिंग ज़ीरोज़. कैन वी सबट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ नंबर? क्या हम लोग ज़ीरो को किसी नंबर से सबट्रैक्ट कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं. नकुल हैज़ सिक्स कैंडीज. नकुल इज़ अ बॉय एंड ही हैज़ सिक्स कैंडीज. ही डज नॉट ईट एनी कैंडीज. हाउ मैनी कैंडीज आर स्टिल विथ नकुल? नकुल एक बॉय है जिसके पास सिक्स कैंडीज है ना, और नकुल ने एक भी कैंडीज नहीं खाए. तो नकुल ने जब खाया ही नहीं है कोई कैंडी, तो नकुल के पास तो पूरा सिक्स पड़ा हुआ है ना. सो नकुल, हाउ मैनी कैंडीज आर स्टिल विथ नकुल? जब नकुल ने खाया ही नहीं, मतलब ज़ीरो ख़त्म हुआ उसके पास. सो सिक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स. नकुल हैज सिक्स कैंडीज लेफ्ट विद हिम. नकुल के पास सिक्स कैंडीज थे और नकुल ने उसको बचा के रखा, नकुल ने खाया ही नहीं, तो नकुल के पास तो सिक्स के सिक्स कैंडीज रखे हुए हैं, है ना. सो नंबर टू एग्जाम्पल. अ हैन लेज सेवन एग्स बट नन ऑफ द एग्स हैच्ड. हाउ मेनी एग्स आर नॉट हैच्ड? जब एक हैन है वो कितने अंडे देती है? सेवन अंडे दिए हैं. ठीक है, और एक भी अंडे को उसने नहीं फोड़ा है. तो जब उसके पास, फिर इसका मतलब क्या है? सेवन के सेवन एग्स रखे हुए हैं, है ना. ये देखो, हैन है और हैन ने कितने एग्स दिए हैं? सेवन एग्स, है ना, और सारा सेवन का सेवन एग्स पड़ा हुआ है. सो सेवन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू सेवन. ओके, सो मतलब इसका क्या हुआ? जब हम लोग किसी नंबर से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो वो नंबर क्या होगा? सेम टू सेम, है ना. When we subtract zero from a number, we get the number itself as the difference. जब हम लोग किसी नंबर को ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आंसर क्या आएगा? सेम नंबर. वी गेट द नंबर itself as the difference. वही नंबर हमारे पास आएगा as the difference. Okay, represent the number using dot and find the difference. ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन. टू माइनस ज़ीरो टू. थ्री माइनस ज़ीरो थ्री. फोर माइनस ज़ीरो फोर. फाइव माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू फाइव. इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? व्हेन वी सबट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ नंबर, वी गेट द नंबर इटसेल्फ एज द डिफरेंस. ओके, जब भी हम किसी नंबर से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा? जो नंबर है वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, सो इस बॉक्सेस में आप लोग क्या लिखोगे? टू माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू टू. फोर माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू फोर. सिक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, एट माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एट. वन माइनस ज़ीरो वन. थ्री माइनस ज़ीरो थ्री. फाइव माइनस ज़ीरो फाइव. सो रेड एंड राइट पढ़ोगे आप लोग और लिखोगे. ओके,